हाथरस, कोतवाली हाथरस जंक्शन पुलिस ने धारदार हथियार से युवक की हत्या करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीती 27 अक्टूबर को ग्राम अमोखरी में 22 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई, जिसमें पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं बीती रात पुलिस ने युवक हरपाल की हत्या करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खुलासा करते हुए हाथरस SP द्वारा बताया गया कि 22 वर्षीय हरपाल की अवैध संबंधों के चलते उसी के गांव में रहने वाले दो अपराधियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हाथरस, उत्तर प्रदेश से अजमेरी कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। क्या है सर मामला पूरा? ये 27 अक्टूबर को थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र में एक युवक की लाश मिली थी। उस लाश की शिनाख्त हरपाल सिंह के नाम पे हुई और उसी में हमने आइडेंटिफाई किया, इन्वेस्टिगेशन की, तो दो अभियुक्तों के नाम प्रकाश मारा कृष्ण और निखिल, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि किसी प्रेम प्रसंग के बाद चलते हत्या की गई है। और यह भी कहना है कि वो उनको धमकाता था और वो अगर ये उसको नहीं मारते तो वो उनको मार देता, इस तरह का इनका कहना है। तो इसी क्रम में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया, जो अलग पुलिस में इस्तेमाल किया गया तो उसको बरामद कर लिया। सर ये अवैध संबंधों में उसकी हत्या की गई है? हाँ, जो अभी जो उनसे पूछताछ हुई उसमें उनका यही कहना है कि प्रेम संबंधों में चलते तीनों के संबंध थे एक ही से। अब मैं जैसे कह रहा हूँ प्रेम संबंध विवाद था तो बाकी उसकी।